दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है दिन ट्यूसडे का और मॉर्निंग का। मैं यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट लेने के लिए आई हूँ। घर के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक डन। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी आज मैक्रोनी। तो यहाँ पे हम तीनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। मैं वो सर्व कर दे रही हूँ। नित्या भी नहा चुकी है, सभी लोग हम लोग नहा लिए हैं। और मैंने माशु को भी नहला दिया था तो वो सो रही है एकदम शांति से, और काफ़ी लंबा वो सोई थी। कभी कभी तो वो सोती है, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं सोती है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद नित्या एज़ यूजुअल बिना बोले जो है अपनी बुक्स वगैरह लेके बैठ जाती है। स्कूल्स के बंद है, न्यू सेशन का वेट हो रहा है, लेकिन वो अपनी बुक्स जो है वो रिपीटेड उन्हीं को देखती रहती है। उसको अच्छा लगता है पढ़ते रहना। और लंच की यहाँ पे तैयारी हो रही है। सिंपली मैंने बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सिंपल सा लंच है, दाल चावल सब्ज़ी एज़ यूजुअल। मेरे आफ्टरनून में जो है राइस ही बनते हैं हमारे घर में, तो ये बेसिक सिंपल सा लंच है। और लंच वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो माशु सो रही थी तो बस उसके साथ मैं भी आ गई। इवनिंग का टाइम है ये, हमारी जो पैकिंग वगैरह है वो शुरू हो रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था हम जा रहे हैं दूसरी जगह। अब ये गोवा से बाय बाय करने वाले हैं हम, तो बस ये पैकिंग वगैरह चल रही है। यहाँ पे बैठ के कपड़े वगैरह आयरन हुए थे आराम से, क्योंकि बहुत सारा बंडल कपड़ों का था। और अब देखिए घर भी धीरे धीरे खाली होने लगा है। यहाँ पे कुछ था, अगर पीछे आप जाके देखिए क्या था वहाँ पे, यहाँ पे भी था। यहाँ पे सारे टेडी बियर्स थे। अगर लिविंग रूम टूर आपने देखा हो तो उसमें था मेरा। देखते हैं इसमें अंदर क्या है। इसमें ना हाँ, इसको खोलने के लिए देखिए दोस्त, आज मम्मी कुछ हम मम्मी के साथ हम पार्सल लेकर आए। आज के लिए हम मम्मी के पास से कुछ खोलना चाहते हैं, देखते क्या है वो। देखिए मम्मी कुछ खोल लिया है और अब मम्मी के लिए क्या है देखते हैं। सर इसमें फोक को चम्मच होगा क्या, रैबिट होगा क्या, फ्रीज होगा क्या, स्ट्रॉबेरीज होगा क्या, पट्टे होगा होगा। और ये सरप्राइज मेरे हस्बैंड की तरफ से था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा कुछ उन्होंने ऑर्डर किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ उन्होंने सरप्राइज सा किया है। मैं उन्हें कुछ मांगूंगी, ऑर्डर कर लूंगी, वो कभी कुछ नहीं कहते, पर खुद से वो ऑर्डर करके उन्होंने जो दिया ना, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। कितनी क्यूट सी है ना इसकी पैकिंग वगैरह, आप देख सकते हैं। ये लाइनर है MyGlam का, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ये लिपस्टिक है, इसका कलर भी बहुत अच्छा था, एकदम मतलब रेड पूरा, मनीष मल्होत्रा का। मुझे मनीष मल्होत्रा के सिर्फ कपड़े वगैरह पता है, वो डिज़ाइनर है, मुझे नहीं पता था उसके कोई मतलब ऐसे कॉस्मेटिक्स भी होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी क्यूट पैकिंग है ना। और नित्या वो बोल रही थी इसलिए मैंने आपको जो है वो भी रिकॉर्ड किया। यहाँ पे मैंने जो हाथों में मेरे लगी थी ना, मैंने वही सिर्फ अपने लिप्स पे जो है ब्लेंड किया, और कलर बहुत अच्छा था और इतना मतलब निकल ही नहीं रहा था, वाटरप्रूफ तो है ही। मैंने बहुत कोशिश भी की थी निकालने की, मुझे ऐसा लगा मैंने गलती कर दी लगा के। मौसम बहुत अच्छा था तो बस ऐसी मुझे थोड़ी सी टी क्रेविंग हो रही थी, तो ये बस चाय की क्रेविंग है मेरी। और शाम को ना हम थोड़ा बाहर गए थे, क्योंकि माशू का जो है अन्नप्राशन करना है, तो उसके लिए हमें चांदी की जो बोल है वो लेनी है। नित्या का भी हमने किया था तो उसके ही बोल में हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दूसरा हमें चांदी का मैंने एक बोल और एक स्पून लिया है माशू के लिए। और जब हम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हमने लिया है। उसके बाद मैं ना एक डिनर अटेंड करने के लिए गई थी, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए रखा था। मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ इस वीडियो के ही थ्रू, उन्होंने बहुत स्पेशल ये डिनर हमारे लिए प्लान किया था। क्योंकि हम जा रहे हैं तो होता है ना, यहाँ पे एक फैमिली, ये फ्रेंड्स जो है यही हमारी फैमिली है, तो बस ये हमें बाय बाय कहने का तरीका था। थैंक यू मेरे बहुत प्यारे दोस्तों। और मुझे नहीं पता था कि वो मतलब
इंटरेस्टेड हैं, मुझे मैं किसी को ना शामिल नहीं करती हूँ मेरी वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कोई कंफर्टेबल है नहीं है, उसकी परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए मैं किसी को कभी इंक्लूड नहीं करती। बट लेटर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्तों को मतलब इंटरेस्ट है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें ऐड कर सकती हूँ मेरी वीडियो में। तो मैं अभी फ्रीक्वेंटली जब उनसे मिलूँगी ना तो मैं फिर से उन्हें ऐड करूँगी। और ये देखिए ये डिलीशियस है डिनर, ये हम तीनों के बच्चे, मेरे दो फ्रेंड्स थे वो, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच, और मैंने नई लिपस्टिक फिर से अप्लाई की, मुझे कलर अच्छा लग रहा था, बट फिर से मुझे यही लगा कि गलती कर दी, क्योंकि निकल नहीं रहा था वो, काफ़ी शाम तक रह गया था। और मैं सच मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं करती, घर में रहने से तो नहीं, बाहर गए तो थोड़ा बहुत मैं टचअप कर लेती हूँ, घर में कौन अपनी स्किन ख़राब करेगा डेली मेकअप करके। और यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही थी, खीरा प्याज और टमाटर की वेजिटेबल सैंडविच सिंपल सी, जिसमें मैंने 2 चम्मच मेयोनीज वगैरह डाल के और ब्लैक पेपर डाल के सिर्फ जो है बना लिया स्टफ करने के लिए। और मेरा ब्रेकफास्ट जो है वीकली 7 दिन 7 अलग ही बनता है, मुझे ऐसा लगता है चेंज होते रहता है, और चेंज करके खाना भी चाहिए। और ये ना बॉडी टेस्टी लगती है, क्योंकि मेयोनीज़ तो वैसे भी मतलब उसके साथ कोई चटनी वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, अगर मेयोनीज़ जल जाए सैंडविच में तो मज़ा ही आ जाता है। और बटर जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं ना थोड़े से घी के साथ ही सेक ले रही हूँ, मैंने सोचा जब ख़त्म हो ही गया तो ख़त्म ही रहने दो, मैं नहीं मंगाने वाली हूँ। और रीज़न यही है कि मैं अपने घर में से जितनी चीज़ें हैं ना धीरे धीरे ख़त्म ही कर रही हूँ, क्योंकि अब इतना भर के लेकर के कौन जाएगा पैकिंग करनी है, जो कि बहुत समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। तो बस चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, हम सोचते हैं ख़त्म ही हो जाए, क्यों उसको मंगाना और वेस्ट करना, फिर कैसे पैकिंग करेंगे हम। और यहाँ पे नित्या को भी ना मैंने बोला कुछ अपने जो टॉयज़ है ना वो सेपरेट कर लो, क्योंकि अगर मैं उनमें से कोई भी टॉयज़ जो है फेंक दूँगी ना तो वो रोने लगती है कि वो कहाँ गया वो कहाँ गया। तो बेटर मैंने बोला जो टूट गए उनको साइड कर लो, जो आपको रखने हैं जो आपको लेकर के जाने हैं वो रख लो एक तरफ। तो वो ना बस ये सेग्रीगेट कर रही थी जो भी उसको समझ में आ रहा था। और बच्चे जो है ना इतने टॉयज संभाल के रखते हैं, इसने तो ना इतने छोटे छोटे टॉयज भी 4 साल से पता नहीं कौन कौन से संभाल के रखे होंगे जब से हम गोवा में आए हैं। सीधा चलते हैं लंच की तरफ। लंच में मैं बनाने जा रही थी आलू और पालक की सब्जी, और ये मटर थे तो छोले, सूखे मटर जो होते हैं वो मैंने जो है उसको बॉयल करके रखा था, तो मैं उसी को जो है बनाने जा रही थी, सूखे मटर जो है उसके छोले, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आज मैंने दाल जो स्किप कर दी, बस ये सिंपल से जो मटर है ना वो बनाए थे, बस थोड़े से प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से भून के मसाला भून के बहुत ही क्विक वे में मैंने जो है ये बनाया था छोले। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मैं डाल दे रही हूँ और ढक्कन लगा दूंगी, जिससे जो है जल्दी से जो है ये पक जाएंगे, मसाले भुन भी जाएंगे। आपने अगर मुझे नोटिस किया हो तो मैं मोस्टली जो है इसी तरह से करती हूँ, टमाटर वगैरह डालने के बाद सारे जो है मसाले डाल के ढक्कन लगा देती हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी से जो है ये बन जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और सब्ज़ी बनाऊँगी, वो है आलू और पालक की। पालक मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक के पराठे, पालक पनीर या सब्जी। तो यहाँ पे ये जो छोले हैं वो रेडी हो गए मेरे सूखे मटर के, फटाफट से बन जाते हैं ये बिल्कुल नो टाइम में। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिए थे थोड़े से छोले मसाले। और मैंने सोचा कि क्यों एक और कढ़ाई, मैंने सोचा था पहले दूसरी कढ़ाई में बना लूँगी मैं, लेकिन फिर मुझे लगा सब कुछ तो मुझे ही वॉश करना पड़ेगा, तो बेटर है इसी कढ़ाई को जो है वॉश करके फिर से मैं लगा ले रही हूँ। तो ऑयल जैसे ही गर्म हुआ ना मैंने डाल दिया उसमें जीरा, और ये जो काला जीरा होता है जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, और सूखी लाल मिर्च। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लंबे लंबे चॉप किए हुए बारीक प्याज। आलू पालक की सब्जी ना आप इस तरह से बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्याज को जो है अच्छा भूनना है, अच्छा भूनना मतलब उसका कलर जो है वो चेंज करना है। उसके बाद आलू जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके अच्छे से इसमें डाल दूँगी मैं, तो प्याज का कलर मुझे चेंज करना है। कुछ तो बोलो। डाल दिया मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और आलू मैंने वॉश किए थे लेकिन मैंने वापस से वॉश कर दिए, क्योंकि
कट करने के बाद भी ना उसमें मतलब थोड़ा सा लगता है, वॉश कर लूँ मैं। और आलू को भी जो है अच्छे से भुनना है, पूरा लाल लाल सा कलर चेंज करना है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, क्रंच सा होना चाहिए। तो मैंने नमक डाल के जो है थोड़ा सा कवर कर दिया था। और उसके बाद आलू जो है यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा भुन के रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी पालक। तो उससे पहले जो है मैं सारे ये मसाले डाल ले रही हूँ, जितने भी हैं वो भी थोड़े से भुन जाएंगे, क्योंकि पालक जो है वो पानी एक बार रिलीज़ कर देगा ना तो मसाले अच्छे भुनेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर रही थी मसालों को। उसके बाद ये काफ़ी सारा पालक था तो इसमें मुझे ना इसे चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बस सोचा थोड़ा सा ये पानी सूख जाए तब मैं इसको जो चलाऊंगी। तो मैंने ढक्कन लगा दिया। और उसके बाद ये देखिए क्वांटिटी जब कम हो गई तब देखिए आराम से मैं चला ले रही हूँ। और बिना पानी के आपको ये सब्ज़ी बनानी है तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से ना आलू और पालक की सब्ज़ी जो है वो बना के रखिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और नित्या को ये देख के, ये देखिए उसकी क्यूटनेस, वो ना बाहर उसने ना ये टेबल खुद से निकाला और उस पर ना वो अपने टॉयज सुखा रही थी। उसने मुझे कई बार देखा है मैं ना इस तरह से डब्बे सुखाती हूँ, तो उसने अच्छे से अपने टॉयज जो है वॉश किए और वो बाहर सुखा रही थी। यहाँ पर ये है आज का हमारा लंच। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलती रहूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करते रहिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ।